हाय नमस्ते। और इस वक्त मैं एक जंगल में हूँ, ये बांज बुरांस का जंगल है और यहाँ मैं एक फूल से मिलने आया हूँ। थोड़ा सा चौंक रहे होंगे आपकी, अच्छा फूल से मिलने मतलब। तो दरअसल इस बुरांस के फूल से मैं यहाँ मिलने आया हूँ और ये फूल है बुरांस का। ये सामने जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा ख़राब सा ये इलाका है, मैं नीचे तक पहुँचूँगा और इस फूल से मिलने आया हूँ। और ये फूल क्यों इस वक्त पूरे उत्तराखंड को नहीं, पूरे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं या जो पर्यावरणविद हैं उनको क्यों टेंशन दे रहा है ये फूल, क्योंकि ये देखिए ये सबसे पहले तो ये बुरांस का फूल है ये, और मार्च का पहला हफ्ता है और मार्च के पहले हफ्ते में ये बुरांस पूरी तरह से खिल चुका है। ये देखिए ओहो, रिस्की है यहाँ पे, क्योंकि अगर आपको बुरांस देखना है तो जंगल के काफी अंदर जाना पड़ता है क्योंकि। और ये देखिए ये पूरा बुरांस जो है ये खिल चुका है इस वक्त यहाँ पर। उत्तराखंड का जो अपर हिमालय वाला जो इलाका है उसमें बुरांस होता है, और बुरांस का खिलना क्यों टेंशन की बात है, क्योंकि आमतौर पे इसका जो बुरांस का फ्लावरिंग पैटर्न होता है वो मिड मार्च में या मार्च लास्ट में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में बुरांस पूरी तरह से खिल जाता है। लेकिन इस बार हुआ ये है कि फरवरी के आखिर में और में ही ये बुरांस जो है वो खिल के झड़ने लगा है। ये सामने आप देख रहे होंगे, इसमें ये पूरा जो है बुरांस खिल के और ये झड़ रहा है। तो ये बहुत टेंशन की बात है क्योंकि इस बुरांस, इस ये जो फूल है ना, ये पूरा सा किस तरह से हमारा मौसम बदल रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो उसका एक सिग्नल है ये। क्योंकि इसका बहुत जल्दी खिलना बहुत टेंशन की बात है, क्योंकि ये मौसम को इंडिकेट करता है, मौसम के चेंजेस को इंडिकेट करता है। क्योंकि इस बार हुआ ये है कि आमतौर पे जिस इलाके में मैं हूँ, ये मेरे गांव का ऊपर का इलाका है दरअसल, और यहाँ पर तीन या चार बार की बर्फबारी हो चुकी होती है यहाँ पर। लेकिन इस बार यहाँ पर बर्फ सिर्फ एक बार गिरी है, वो भी 102 इंच, जो बहुत बहुत जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा डेफिसिट है बर्फ का, इसमें मतलब बर्फ यहाँ पर। और अभी भी जो है, अब जो बारिश जो है अब हो रही है मार्च के फर्स्ट वीक में, और बर्फ गिरेगी कि नहीं गिरेगी कुछ अभी नहीं है। तो उस वजह से पूरा जो आप, अगर आप 2023 के दो महीने ले लें, नवंबर दिसंबर और ये जनवरी फरवरी और ये मार्च वाला जो ये ले लें, तो इसमें जो है बिल्कुल जो है ना बारिश हुई है, ना मार्च बारिश अब जाके हुई है, या फिर अब न बर्फ गिरी है। तो इस वजह से जो पूरा पैटर्न है ये पेड़ पौधों के खिलने का वो बदला है। तो ये इंसान के शरीर की तरह है, मतलब हमारे शरीर में कोई चेंजेस आते हैं तो वो पूरी बॉडी पे इफेक्ट करता है। तो इसी तरह से अगर ये फूल, इस फूल का खिलना ये इंडिकेट करता है कि हिमालय की सेहत बहुत खराब है, क्योंकि जिस तरह से हमारी बॉडी है तो उस बॉडी में मान लीजिए सिर में अगर कहीं पे पेन है तो पूरी बॉडी पे उसका असर दिखाई देता है। तो उसी तरह से है, क्योंकि अगर हिमालय हमारी जिसे कहते हैं कि हमारा पूरा जो अगर हम शरीर माने पूरे इस उसको, तो उसका हिमालय अपर पार्ट है, उसका जो है हेड से ऊपर का पार्ट है, और उसमें अगर आपको वो ठीक नहीं है तो ये, तो वो जो है सिग्नल है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। देखिए ये गिर, बहुत मुश्किल होता है यहाँ तक आना, और बहुत खूबसूरत पेड़ होता है बुरांस का। मैं काफी अंदर तक निकल आया हूँ इस जंगल में, ये देखिए नीचे गिर भी रहा है, मतलब फरवरी में खिल चुका होगा ये पेड़ और गिर भी रहे हैं। देखिए ये है बुरांस का पेड़ और ये गिर चुका है, ये इसका फूल होता है। ये देखिए ये बहुत खूबसूरत फूल होता है इसका बुरांस का, और इसका जूस भी निकलता है, और ये देखिए वाओ। लेकिन बड़ी टेंशन की बात है कि एकदम फरवरी और मार्च में जो बुरांस है ये खिल रहा है। तो और इससे जो भी साइंटिस्ट हैं, क्योंकि ये बुरांस का फूल बहुत औषधीय जिसे कहते हैं, मेडिसिनल इसकी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती हैं, और इसलिए इसका जूस में इस्तेमाल होता है। तो इसके इस बुरांस के इस फूल पे भी इसका असर जो है वो दिखाई देगा, क्योंकि इतनी जल्दी खिलना, उसके बाद इसका झड़ जाना। तो ये देखिए अब ये लगभग गिर चुका है, ये फूल जो है ये गिरने को है ये फूल। तो ये बुरांस का फूल है, और इसीलिए इस फूल का, इस एक फूल का खिलना मतलब फरवरी में या मार्च में बहुत टेंशन की बात है। तो मैं राकेश परमार, नवा टाइम्स के लिए नमस्ते।